हेलो दोस्तों, मैं हूँ किरण, आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, जैसे देखा पोर्ट्रेट मोड आप बहुत अभी चल रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम के जो जो IGTV मतलब इंस्टाग्राम TV के आने के बाद सब कोई पोर्ट्रेट मोड में उसको वीडियो शूट करना चाहते हो। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे उसको शूट कर सकते हो और कैसे उसको एडिट कर सकते हो सही से, मतलब अच्छे वे में और अच्छे एडिटिंग। जैसे मैंने अपना जो खुद का जो यूट्यूब वीडियो आप लोग शूट करते हो उसी हिसाब से शूट करके एडिट कर सकते हो कैसे, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पोर्ट्रेट मोड के लिए फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में रखना पड़ेगा, लैंडस्केप से सीधा रखना पड़ेगा। जैसे फोटो में देख रहे हो सीधा रखने के बाद उसके बाद शूट करो, शूट करने के बाद कैसे एडिट करते हैं उसी हिसाब से मैं बता दूंगा एडिट किया कैसे किया जाता है। दोस्तों पहले दोस्तों आपको फिल्मोरा में जाना पड़ेगा। फिल्मोरा में जाने के बाद जो वीडियो आपने मतलब शूट किया है अपने फ़ोन से पोर्ट्रेट मोड में, उसको आप लेके अपने डैशबोर्ड में डाल दो फिल्मोरा। उसके बाद रोटेशन कर दो, रोटेशन करने के बाद इसको ओके करके जो मैंने इंस्टाग्राम का लोगो मैंने लगाया था IGTV का, उसको मैं छोटा करके PNG फॉर्मेट में मैंने खुद इसको बनाया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं साइड में डाल देता हूँ। जो जो आपको साइज मतलब सही लगे वो साइज आप सही से उसी हिसाब से सेट कर सकते हो इसमें। और उसके बाद इसे कोई टैग्स वगैरह देना चाहते हो, टाइटल जो देना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो, उससे पहले तो जो लोगो है लोगो को पूरा खींच के लंबा कर देना, जो पूरा वीडियो के अंत तक दिखता रहे वो लोगो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद जो टाइटल मैंने दिया था वो गेम का जो टाइटल रहता है वो मैं एक दे देता हूँ। मैंने डोंट आ गया, आप कोई भी टाइटल यहाँ से दे सकते हो। मैंने जो वाला दिया था वो वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वाला मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये वाला बता रहा हूँ। तो बस यही देखिए, इसको डबल क्लिक कर दो यहाँ जैसे ये मतलब इस पोजीशन में आ रहा है वो पोर्ट्रेट मोड में, मतलब लैंडस्केप में आ रहा है क्योंकि पोर्ट्रेट में करना है आपको। तो डबल क्लिक टैप करके इसको मैं क्या करूँगा, घुमा दूंगा, ऐसे घुमा के एक सेट कर देता हूँ मैं यहाँ से। एक मिनट, एक सेकेंड, ओके। इसको मैं यहाँ से जी अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से। ये मतलब ये सही है पोर्ट्रेट में, देखो अभी मैं प्ले करके दिखा दिया, ये इसी मतलब फॉर्मेट में अभी आपको मतलब वहाँ से आता है, बट मुझे यहाँ से चाहिए तो मुझे इसको फिर से रोटेशन करना पड़ा। तो फिर से मैं इसको एक सेकेंड प्ले कर लेता हूँ, ठीक अभी ठीक है। तो इसको मैं जो टैक्स को भी रोटेशन कर लेता हूँ। सेकंड टैक्स में मैं अपना चैनल का लिंक दे दूंगा, जो YouTube/C/TheQuickTag है, वहाँ से जाके मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको ऐसे मिलता रहे, जो ऐसे लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी ये हो गया, ये मेरा टाइटल मुझे मिल चुका है। टाइटल होने के बाद इसमें ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद तो मुझे बीच में मैंने जैसे बोला था कि जो वीडियोस के बारे में मैंने बताया था, 5 ऐप्स के बारे में मैंने बताया था, तो वो 5 ऐप मैं कैसे शो करूँगा वो अपने हिसाब से, फ़ोटो जो आपका जो थंबनेल रहता है या कुछ भी उसी हिसाब से शो कर सकते हो। मैंने लिंक मैं देना चाहता हूँ, तो दिखाना चाहता हूँ लिंक, तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। फ़ोटोज़ के बारे में बाद में बता दूँगा, अभी जो वीडियोस के अभी दिखा देता हूँ। पहले यहाँ लिंक दे के एक बॉक्स का टाइप कर लेके इसको मैं कलर में बाद में चेंज कर पहले सेट कर लेता हूँ। एक मिनट, ओके हो गया। फिर कलर में चेंज कर लेता हूँ उसका ग्रे, ग्रे से मैं उसका ओपेसिटी मतलब कम कर लेता हूँ, थोड़ा डिज़ाइन में देखने वाइज भी अच्छा लगा। बॉर्डर को रहने देता हूँ। बॉर्डर रहने के बाद मैं टैक्स कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ YouTube/C/TheQuickTag में टाइप कर लेता हूँ।
ये भी नहीं। चलो इसको दोनों को ए वाला मैं दे देता हूँ। ओके ओके, अब ये भी बन गया। इसके बनने के बाद मैं बोलूँगा जो बोले मैंने बोला था आपको, जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वीडियोस के बारे में अगर बताना चाहते हो तो उसमें भी बता सकते हो। अब मैंने लास्ट में जो दिया था मैंने वो बता दूँ, आउट्रो जो दिया था, आउट्रो में कैसे अपने से बना सकते हो। मैं अभी तो पोर्ट्रेट वाला बनाया नहीं, तो इसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट जो रहता है फिल्मोरा में उसको मैं डाल दिया हूँ। तो ये गया पोर्ट्रेट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, मेरा लोगो जो है, लोगो को जो बाई डिफ़ॉल्ट एक फिल्मोरा में रहता है उसी हिसाब से देख के इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ओके एक मिनट, हो गया, ये गया, छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक, और नहीं एक सेकेंड बीच में डाल देता हूँ। हाँ बीच में सेट करने के बाद इसको देखिए, पहले मैं प्ले कर लेता हूँ इसको। बीच में ये सेट करूँगा थोड़े से समय के लिए आता है, मैं क्या करूँगा टेक्स्ट साइज को नीचे की तरफ जो है उसको मैं लंबा कर दूँगा, और एक फिल मतलब फिल टाइप का जो ट्रांजेक्शन रहता है ट्रांजेक्शन सेट कर लेता हूँ, जो लुक बाई देखने को भी अच्छा लगेगा। तो ये तो मतलब जो लोगो नहीं दिख रहा है, अभी लोगो दिखने के लिए मैं क्या करूँ, नीचे का टैग जो है उसको ड्रैग कर दूंगा थोड़ा, मतलब उसके पोजीशन के हिसाब से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। एक देख लेता हूँ सही से। ओके ये गया, ठीक ओके। नीचे से क्या करूँगा, ऐसे मैं खींच दूंगा, हो गया। बस ये हो गया वीडियो। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को रेंडर करना है, पूरे जो वीडियोज़ को रेंडर करके जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रखना है। किस फॉर्मेट में आपको रेंडर करना बता दूँ, रेंडर करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको आपको MP4 फॉर्मेट में ही करना है, आप नॉर्मल फॉर्मेट मत कीजिएगा, MP4 फॉर्मेट में करके इसको आप नॉर्मल एक्सपोर्ट कर दो। नाम वगैरह जो देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे वहाँ एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं आप अभी एडोब मतलब अपना जो प्रीमियम प्रो है CC का 2017 इसका मैं इसमें ओपन करके उसको मैं सेट करूँगा उसी हिसाब से जो कि फिल्मोरा में नहीं होता है, क्योंकि जो मैं सेट उसमें किया हूँ फिल्मोरा में, अगर मैं जो फॉर्मेट के अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ उसमें नहीं होता है वो वाला, मतलब प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता है पूरा, अगर मैं उसी हिसाब से सेट वगैरह करता हूँ तो सही से नहीं बैठता है वो वाला फॉर्मेट। तो इसीलिए मैंने इसको इस, अगर प्रीमियम प्रो आपके पास नहीं है तो लिंक में मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी फ्रीली, कैसे तो फ्रीली करना है वो भी अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके बारे में जरूर बताओ। फिल्मोरा से जो फाइल था मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, बोलोगे फिल्मोरा से एक बार बताया फिर Adobe प्रीमियम प्रो में किस लिए बताया, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मेट मुझे चाहिए था 1080x1920 वाला वो उसमें नहीं मिलता था कस्टम साइज में, क्योंकि कंप्रेस हो जाता फाइल। इसमें मैंने फिल्मोरा में लाके वाला फाइल मतलब इंपोर्ट कर दिया, इसको मैं टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको वीडियोज़ को जो आपको अभी लैंडस्केप फॉर्मेट में दिखेगा उसको आपको सही से अभी फॉर्मेट में जाके इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसको मैं वीडियो में आप डबल क्लिक कर लेते हो, उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाना है। इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद रोटेशन मिलेगा आपको, रोटेशन में आपको लिखना है -90 डिग्री। -90 डिग्री लिखने के बाद आपका देखिएगा वीडियो पूरा पोर्ट्रेट मोड में आ गया। अभी इसको स्केल को स्केल से सही से एडजस्ट करके इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद आपका दोनों की तरफ ब्लैक दिख जाता है, इसी को आपको हटाना है उसी जो फॉर्मेट में मैंने बोला था 1080 और 1920 वाला फॉर्मेट में। तो अभी क्या करना है आपको, फाइल में जाना है, फाइल में आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में आपको मीडिया मिलेगा, मीडिया में आपको ऊपर की तरफ सोर्स मिलेगा, इसमें आपको प्लीज बोल के एक फॉर्मेट को देख पा रहे हो, यहाँ से सिलेक्ट करना है। नीचे की तरफ बहुत स्क्रोल करते जाओगे आपको मिलेगा यूट्यूब 1080p HD, वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको विथ और हाइट मतलब सिलेक्ट करना है 1080 और यहाँ 1920 जो मैंने बोला था, तब आपको एक दिख जाएगा पोर्ट्रेट मोड वाला सही से एक फॉर्मेट दिख जाएगा। जब आप इंस्टाग्राम में फोटो वगैरह या अपना वीडियो वगैरह अपलोड कर दे आप देखोगे बीच में छोटा दिख जाता है आपको वीडियो, बट ऊपर की तरफ देखोगे तो अभी वो फिट है, उसका आपको स्केल को क्या करना है फिल कर देना है। फिल करने के बाद वो सही से इंस्टाग्राम के लिए वो सेट हो जाएगा, उसको फाइल से नीचे की तरह एक्सपोर्ट दिख रहा है, आपको जाके वहाँ एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये वाला फाइल फॉर्मेट आप लोगों को इजीली आप इंस्टाग्राम में IGTV में अभी अच्छे से एडिट करके इसमें अपलोड वगैरह इसमें कर सकते हो दोस्तों। हो भाई जो IGTV का एडिट और शूट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने जो बताया आप लोगों को, पसंद आया होगा तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों को IGTV का एडिट की तो पता है, नॉर्मल शूट करना है फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से, बट एडिट कैसे किया जाता है सिंपली और इजी तरीका से मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप लोग अलग कुछ एडिट करने का तरीका पता है तो इस वीडियो में जरूर बताना मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको और कुछ एडिट का
तरीका पता है तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को साइड में प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही रिलेटेड ऐप गेम या कोई भी रिलेटेड मोबाइल के रिलेटेड इस चैनल में हर रोज में लाता रहता हूँ, डेली अपलोड रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको रोजाना ऐसे मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों, फिलहाल के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।